हाय डियर स्टूडेंट, हम जब 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का प्रैक्टिकल करते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसमें हम 7 नंबर का जो एक्सपेरिमेंट है हमारा करंट सेंसिटिविटी के रिलेटेड, और उसका एम क्या है, टू डिटरमाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो उसके जो वाइवा बेस जो क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के प्रैक्टिकल बुक में दिया हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के फिजिक्स के प्रैक्टिकल बुक में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसके आंसर कैसे होना चाहिए, तो आज जो है डियर स्टूडेंट हम उसके आंसर आपको समझाएंगे, यहाँ पर हम उसका एक्सप्लेन करेंगे डियर स्टूडेंट। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है डियर स्टूडेंट। तो उसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वायवा बेस का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन करंट सेंसिटिविटी, ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर कैसा होना चाहिए, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर ये आपको यहां तक कॉमन लिखना है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफाइन एज द स्मॉल चेंज इन द डिफ्लेक्शन, इज डिफाइन एज द स्मॉल चेंज इन द डिफ्लेक्शन टू द स्मॉल चेंज इन करंट, फ्लोज थ्रू इट, ये डेफिनेशन हो गई डियर स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या लिखना है, इफ डी थीटा इज द स्मॉल चेंज इन डिफ्लेक्शन, डी आई इज द स्मॉल चेंज इन करंट, देन करंट सेंसिटिविटी एसआई, इट इज डिनोटेड बाय एसआई, किससे डिनोट करते हैं, एसआई से डिनोट करते हैं, एसआई दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डी थीटा बाय डी आई, मीन्स इट इज, आप सिंपल ऐसी डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा लिखना पड़ता है डियर स्टूडेंट, तो इसकी सिंपल ऐसी डेफिनेशन होगी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, सिंपल ऐसी डेफिनेशन। ओके, तो एसआई डी थीटा बाय डी आई दैट इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज एन ए बी अपॉन के, हम जब यहां पे देखते हैं डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्योरी में हमें है, तो हम थीटा इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इंटू आई, ये हमें फॉर्मूला मिलता है डियर स्टूडेंट डिफ्लेक्शन का। इसको डिफ्रेंशिएशन अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, एन ए बी अपॉन के डी आई। ओके, तो यहां से डी थीटा बाय डी आई क्या होगा, एन ए बी अपॉन के, बस ये है डियर स्टूडेंट करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और उसका जो यूनिट जो है दैट इज द डिवीजन पर एम्पियर, क्या यूनिट है उसका, डिवीजन पर एम्पियर। ओके, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन, और उसका ये है आंसर, ऐसा आपको लिखना है। ओके, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, स्टेट दी फैक्टर्स, स्टेट दी फैक्टर ऑन व्हिच करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स,
स्टेट द फैक्टर ऑन विच करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स, तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला है जैसा है दैट इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के, ये फोर फैक्टर पे क्या रहेगी डियर स्टूडेंट, करंट सेंसिटिविटी और गैल्वेनोमीटर क्या रहेंगी, डिपेंड्स रहेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ऐसा लिखना है आपको, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या करना है, फर्स्ट फैक्टर कौन सा होगा, दैट इज द एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, ये होगा फर्स्ट, यहां पे आप एन ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड जो फैक्टर है ये यानी क्या है डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, एरिया ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल उसके सामने ऐसा ये लिखना है। उसके बाद थर्ड जो फैक्टर रहेगा, थर्ड फैक्टर क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन उसके सामने लिखना है बी, प्रोड्यूस बिटवीन टू पोल पीसेस ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक इंडक्शन बी प्रोड्यूस बिटवीन द टू पोल पीसेस ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट। और फोर्थ जो फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर यानी के है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द टॉर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग और टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग और टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है और टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, तो ये फोर फैक्टर पे क्या है वो डिपेंड्स रहेगा। ओके, हो गए हमारे दो क्वेश्चन हो गए डियर स्टूडेंट, हमारे दो क्वेश्चन हो गए। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन द करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज, हाउ कैन द करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज, करंट सेंसिटिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, द करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज, करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय, करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय, फर्स्ट जो फैक्टर रहेगा, फर्स्ट फैक्टर, करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्म्स, यान सेकंड जो रहेगा इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, सेकंड फैक्टर है, थर्ड जो रहेगा इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, और फोर्थ जो फैक्टर रहेगा वो फोर्थ फैक्टर क्या होगा, डिक्रीजेस द टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, डिक्रीजेस द टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट और टॉर्शनल कांस्टेंट, और टॉर्शनल कांस्टेंट। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारे तीन जो क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चन आपको उसका आंसर ऐसे लिखना है डियर स्टूडेंट। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है फिजिक्स के प्रैक्टिकल जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, वो 7 नंबर का जो एस्टिमेट है उसके
क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट। तीन क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल बुक में, उसका हमने आज आपको आंसर दिया है, उसका सॉल्यूशन दिया है। इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।